जैसा कि हम लास्ट वीडियो में सिलेबस देख चुके हैं, इस वीडियो में हम एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन देखेंगे। एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन पर ही कंप्लीट कोर्स डिपेंड है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, चाय बनाने के लिए जो एलिमेंट्स यूज़ होते हैं वो है पानी, शुगर, चाय पत्ती और मिल्क। इसी तरह फैशन डिज़ाइनिंग में जो एलिमेंट्स यूज़ होते हैं वो है लाइन, कलर, शेप, टेक्सचर, पैटर्न। लाइन क्या है? वन डॉट से दूसरे डॉट को कनेक्ट करने पर लाइन क्रिएट होती है। लाइन अलग अलग टाइप्स की होती है, थिक, थिन, स्ट्रेट, वेव, डायगोनल, पैरेलल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डैश, डॉटेड, कर्व, जिगजैग एंड कर्ली। लाइन डिज़ाइन को डिफाइन करती है, स्पेस को डिवाइड करती है। लाइन दिखाती है एक्चुअल डिज़ाइन क्या है। आप इन सब लाइंस की प्रैक्टिस 3x3 के बॉक्सेस में कीजिए। इसी से आपको याद रहेगा कि लाइन कितने टाइप्स की है। नेक्स्ट है कलर। कलर क्या है? जो आपकी आंखों को इफेक्ट करता है, जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कलर के तीन टाइप्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इसी से ही बहुत सारे कलर बनते हैं जो आप कलर व्हील में देख सकते हैं। थर्ड है शेप। शेप टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट है ज्योमेट्री एंड सेकंड है फ्री हैंड शेप। ज्योमेट्री शेप हमेशा एग्जैक्ट मेजरमेंट के हिसाब से ही बनते हैं। फॉर एग्जांपल, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर। सेकंड है फ्री हैंड, जिसमें है लेंथ, विड्थ, डेप्थ। हर इंसान की बॉडी का शेप डिफरेंट डिफरेंट होता है, जैसे कि कोई मोटा होता है, जैसे कोई पतला होता है, और इसी के हिसाब से हम उसके लिए क्लोथ डिज़ाइन करते हैं। ये हो गया हमारा थर्ड टॉपिक। फोर्थ है टेक्सचर, जिसको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे कि सिल्क, लियन, कॉटन, लेदर, जूट। ये हो गए कपड़े के टेक्सचर। फिफ्थ है पैटर्न। पैटर्न बनाने के लिए हम हमेशा वाइट और ब्राउन पेपर का यूज़ करते हैं। उस पर हम मेजरमेंट ड्रॉ करते हैं, उसको हम कपड़े पर फिक्स करते हैं और कपड़े को कट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फैशन इलस्ट्रेशन, जिसे हम फैशन फिगर भी कहते हैं, बताने वाली हूँ, और जल्दी हम प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।